अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अवर न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। तो जी, यहाँ पे ना मैंने डस्टबिन, डस्ट पैन वगैरह एक बास्केट मैंने दो लिए थे, वो मैंने रखे हैं धूप पे। अब इनको ले जाएंगे अंदर वापस, तो फिर करेंगे दूसरा वाला काम। तो जी, आज ना मुझे वो और एक काम करना है जो मैं दो तीन दिनों से करना चाहती थी। जैसे कि आज मुझे करनी है वॉशरूम की डीप क्लीनिंग। एक वीक से नहीं की है क्योंकि हम गए थे शादी पे, यू नो, जब हम कहीं जाते हैं फंक्शन में तो कुछ आलस सा आ जाता है। और उसके बाद जो मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हमारे यहाँ पानी की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो जिस वजह से मैं वॉशरूम नहीं धो पा रही थी, मतलब डीप क्लीनिंग करनी थी। तो चलिए करते हैं आज डीप क्लीनिंग। तो जी, आए हम वॉशरूम में। देखिए कितना गंदा हो चुका है, एक वीक से साफ़ नहीं किया है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे होगा साफ़, इतनी गंदगी कैसे जल्दी साफ़ हो जाएगी। तो अब मैं थोड़ा सा हार्पिक डालूँगी इन बर्तनों में और एसिड करूँगी मैं इस्तेमाल। हम एसिड का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे ट्यूबवेल का पानी है। तो जी, इसमें मैं डालूँगी हार्पिक थोड़ा सा, इस्तेमाल तो इसलिए करना पड़ता है। और इस स्क्रबर से करेंगे इसको साफ। ये मैंने इस पे लगा के रखा है हार्पिक। अब हम कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे, तब तक मैं टाइल इस पे कर लूँगी, डालूंगी एसिड। तो इस एसिड से करेंगे हम ये साफ, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ये कोने में गंदगी, देखें। तो अब यहाँ पे देखिए मैं ऐसे कैसे साफ करूँगी। ये देखिए मैंने एसिड डाला इस पर, अब कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, देखिए कैसे साफ हो रहा है। थोड़ी देर के लिए रख देंगे। देखिए अब एक मिनट भी नहीं हो गया और मैल कैसे बाहर निकल रहा है। दो मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम करेंगे बच्चों की चप्पल साफ। तो जी, इसको ना मैंने रगड़ लिया है। तो अब देखिए आप, पहले कैसी थी तो अब कैसी बन गई, देखिए कितनी साफ़ हो गई एसिड से। तो ये देखिए मग्स वगैरह, ये ना इस पर परमानेंटली लगा था, ये कहीं पे आग लगी थी तो फिर ये यूज़ किया, लेकिन ये परमानेंटली है, ये नहीं उठता है। बाकी देखिए मग कितना साफ़ हो गया है, ये वाले बर्तन, और ये देखिए ये चप्पल भी कितनी साफ़ हो चुकी है, और ये टाइल्स कैसे चमक रहे हैं। तो जी, मैंने अभी पूरा बाथरूम का टूर करा दी थी, कैसे वो साफ़ हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाहर से मुझे नॉक नॉक कर रहे थे, जल्दी निकलो, हमें ऑफिस के लिए लेट हो गया, तो जिस वजह से मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। बोलो। तो जी, अभी है मेरी चाय का टाइम, तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखें। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।